हैं। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है रायपुर से ही। सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है, तो लगातार जनता को सौगात भी दे रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल पंडोचेरवा समाज को जमीन और राशि जो है दी है, आवंटित की है जमीन। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का नाम भी बदला गया है, राजमोहिनी देवी अब मेडिकल कॉलेज का नाम होगा। जो अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज है उसका नाम बदल दिया गया है। कंवर समाज को 15 लाख रुपए की राशि दी है। तो यहाँ पर सौगात सीएम भूपेश बघेल जो है हर वर्ग को यहाँ पर देते हैं, और इसी कड़ी में जो है सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है पंडोचेरवा समाज को जमीन और राशि दी है सीएम भूपेश बघेल ने। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का नाम भी बदला गया, अब इसका नाम बदलकर राजमोहिनी देवी होगा मेडिकल कॉलेज का नाम। यहाँ पर नाम भी बदला गया है। कंवर समाज को भी 15 लाख रुपए की राशि दी है। पंडोचेरवा समाज को जमीन राशि का आवंटन किया गया है। गुंडवाना समाज को भी सीएम ने सौगात दी है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग समाजों को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है। पंडोचेरवा समाज को जमीन और राशि का वितरण किया गया है, उसकी सौगात दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं भुजेंद्र का। भुजेंद्र लगातार बने हुए हैं। भुजेंद्र, लगातार सीएम भूपेश बघेल जो है दौरे तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को सौगातें भी दे रहे हैं। अब अलग अलग समाज को जो है सौगात दी गई है, क्या कुछ सौगातें किन किन समाजों को दी गई है विस्तार से बताए। बता दो की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा वार्ड में दौरे कर रहे हैं। उस दौरे में सौगात भी लगातार दे रहे हैं, जनता को सौगात भी दे रहे हैं, साथ ही साथ जनता की समस्याओं का निराकरण तो कर ही रहे हैं। तो यह कह सकते हैं पूनम की जो अंबिकापुर का जो मेडिकल कॉलेज था उसका नाम भी अब बदल दिया गया है, राजमोहिनी देवी के नाम से कॉलेज को जाना जाएगा। साथ ही साथ वो कई और सौगातें अंबिकापुर में दिए हैं। उसमें से सौगातों में प्रमुख रूप से जो पांडो एवं चेरवा जो समाज होता है, जो आदिवासी समाज है, उनके लिए जमीन एवं 20 लाख रुपए देने का प्रावधान की राशि देने की बात कही है। साथ ही साथ कंवर समाज के लिए 15 लाख रुपए की राशि आवंटन करने का निर्देश दिया है। गोंडवाना समाज के लिए गोंडवाना परिसर जो है उसमें 10 लाख के जो बिजली पानी की व्यवस्था करने के लिए दिया गया है। साथ ही साथ गोंडवाना समाज के लिए 50 लाख रुपए नए भवन के लिए घोषणा की। तो यह कह सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल जब अंबिकापुर में मां महामायानंद मंदिर का दर्शन करने गए, उसके बाद गोंडवाना समाज के कार्यक्रम में शिरकत की। तो गोंडवाना समाज के कार्यक्रम में पहुंच के उन्होंने आदिवासी समाज को काफी ज्यादा सौगात दी है। 50 लाख का भवन निर्माण के लिए दिया गया है, साथ ही बिजली व्यवस्था के लिए 10 लाख का दिया गया है, और जो पंडवा चेरवा जो आदिवासी समाज है उनके लिए भी राशि का प्रावधान किया गया। तो यह कह सकते हैं दौरे के साथ साथ प्रावधाने भी दी जा रही है, सौगातें भी दी जा रही है, जिसको यह कह सकते हैं चुनावी मद्देनजर की 2023 के चुनाव के मद्देनजर लगातार जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे कर रहे हैं, सौगातों की बौछार भी कर रहे हैं। भी यहां पर जनता पर कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। इसके अलावा और जो सौगातें हैं, यहां पर जमीन और राशि का ट्रांसफर किया गया है अलग अलग समाजों को, और क्या कुछ जनता को यहां पर सौगात कुछ इसके अलावा मिलने वाली है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिहाज से लगातार जो है सौगात दे रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, जनता को सौगात। इसके अलावा भी क्या कुछ और भी कुछ जनता को सौगात मिल सकती है विकास कार्यों की सीएम भूपेश बघेल की तरफ से? निश्चित तौर पर जिस विधानसभा में उसका दौरा हो रहा है, विधानसभा में विकास कार्य की सौगात लगातार जनता को दी जा रही है। इस सामाजिक स्तर पर जो सौगात है लगातार जो है सामाजिक कार्यक्रम में भूपेश बघेल शिरकत करके लगातार जो है समाजों को कई सौगातें दे रहे हैं। अब जो विधानसभा वार दौरा है, उनका विधानसभा वार जो दौरे है विधानसभा में पहुंच कर वो जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, साथ ही साथ समस्याओं में जैसे कई समस्याएं रहती है तुरंत ही घोषणा कर किया जा रहा है कि वहाँ पे स्कूल कॉलेज या अन्य तरह की जो सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं उनको भी खोलने की कवायद, उनकी भी घोषणाएं लगातार वो जनता को सौगात दे रही है। कह सकते हैं कि विधानसभा वाला जो दौरा है मुख्यमंत्री का, जनता के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि लगातार जो दौरा कर रहा है उसमें कई विधानसभाओं को काफी ज्यादा लाभ मिल रहा है। कई विधानसभाओं में कई घोषणाएं भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर चुके हैं।
बिल्कुल भूजेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो लगातार सीएम भूपेश बघेल जनता को कई सौगातें दे रहे हैं, विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं। आज जब सौगात देंगे तो अलग अलग समाजों को ये सौगात, पंडुचेरवा समाज को राशि और जमीन दोनों का ही वितरण किया जाएगा। इसके अलावा भी गुंडवाना समाज को भी सौगात यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल देंगे, राशि का वितरण करेंगे। तो अलग अलग समाजों को यहाँ पर आज सौगात देने वाले हैं। और लगातार विकास भी, जब ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर होते हैं, अगर वहाँ भी खामियाँ हैं तो उनको भी दूर कर रहे हैं और विकास कार्यों की सौगात यहाँ पर देने की कोशिश भी की जा रही है। जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों के विकास के लिए भी प्रयासरत।